शरफान भाई यहाँ उन बच्चे जो हमारे सुन रहे हैं उनके लिए ये भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि जितना भी कामयाब लोग हैं लोग ये समझते हैं कि यार ओवरनाइट इनको सक्सेस मिली कोई बैकडोर से आए और इनको जो है ना बस सक्सेस मिल गई लेकिन ये जानना और डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि ज़्यादा कोई भी सक्सेसफुल आदमी है ना उसके पीछे सालों साल की मेहनत है अब अक्सर होता क्या है कि जिस देखिए सोशल मीडिया का दौर है ना हमारी वीडियोस वायरल होती हैं दो महीने चार महीने छः महीने हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं लोग समझते हैं यार उसको तो छः महीने हुए हैं लेकिन मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसके ऊपर आजकल आप छोटे चोड़ छोटे टिप्स दे रहे होते हैं नॉलेज बेस आप शेयर कर रहे होते हैं इनफैक्ट अभी आप अपने लास्ट विजिट के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आपने शेयर की तो लोग ये समझते हैं कि यार इनकी ओवरनाइट सक्सेस है जबकि हकीकत ऐसा नहीं है आपके पीछे पंद्रह बीस साल दस साल की मेहनत होती है तो इस मेहनत में कंसिस्टेंट रहने के लिए सर कौन सी ऐसी गोली खाई जाए कौन सी ऐसी जो है मजून लिया जाए चूरन लिया जाए जो मंजन आजकल बिक रहा है कौन सा ऐसा मंजन लिया जाए जो आपको कंपोस्ट रखे देखो पहली बात तो यह है कि एक बीमारी है उसका नाम है कि दूसरे पे ब्लेम करना होता ये है कि जब भी इंसान किसी मुश्किल में आता है ना तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं या तो वो अपने आप से कहे कि यार यू कैन डू इट राइट यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ आपको मेहनत ज़्यादा करनी है हमारे माशरे में प्रॉब्लम यह है कि आप किसी कामयाब आदमी को देखते ही सबसे पहले जो दिमाग में ख्याल आता है वो ये कहता है यार ये खुशकिस्मत था बिल्कुल ठीक है यार इसका तुक्का लग गया यार इसका अब्बाम था यार इसकी ये अच्छी यूनिवर्सिटी से आया हुआ है यार इस, ये अच्छे इलाके में रहता था कुछ ना कुछ उसको ना एक एडवाटेज दे के अपने आप को बरीजिमा कर लेंगे कि अच्छा हम इस जैसे इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि ये तो लकी था क्योंकि सही जगह पे सही टाइम पे आ गया था बिल्कुल। भाई जो लक होती है ना लक आती है मेहनत के साथ सही लक कहां से अल्लाह अल्लाह ने देना ना जजा और और सजा इंसाफ का एक निज़ाम है है बेशक ठीक है? वो कभी भी एक नलायक और एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता वो आपके सर पे नहीं आएगा बिल्कुल ठीक है अगर आप मेहनत करें तो आपको अजर मिलना है आप मुसलमान हैं या आप काफिर हैं मेहनत का अजर तो काफिर को भी मिल जाता है।, है तो जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो लक आपके पास आ जाती है चल के तो पहली बात है मेहनत दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि अभी आपने सवाल किया है कि तकलीफें नहीं आती यार अगर मैं तकलीफें बताने बैठ जाऊं ना यू हैव नो आइडिया बिल्कुल यू हैव नो आइडिया कि यार मैं किन तकलीफों से गुजरू यू हैव नो आइडिया मैं ये कन्वर्सेशन ही कहीं और चली जाएगी ठीक है मोर देन यू नो सेवेंटी परसेंट ऑफ मै रेलिटिव को यह लगता था कि मैं दुनिया में ही नहीं hmm. आसान नहीं होता यार ये बिल्कुल आसान नहीं होता ये छोड़ दें कि तकलीफ में कितनी आएँगी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता लेकिन सवाल ये कि कंसिस्टेंसी कैसे आई तो कंसिस्टेंसी ऐसी आती है कि एक फोकस होता है कंसिस्टेंसी मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि वो इन्विटेशन से नहीं आते वो किसी डॉक्टर से नहीं आएंगे कोई गोली खाने से नहीं आएंगे इन्विटेशन से की बजाय आपको मेहनत करनी होती है मेहनत किस बात पे करनी होती है कि ज़िंदगी में आप जो भी बनना चाहते हो जो करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है

टूटा हुआ बैट लेके के जाए धूप में खेल रहा होगा बिल्कुल वो फोकस कंसिस्टेंसी उसे कहाँ से आती है कोई डॉक्टर दे चाहता है नहीं उसके अंदर का पैशन उसको पता होता है कि मैं एक दिन आंखें बंद करता है तो अपने आप को एक स्टार देखता है बड़े स्टेडियम में खेलते हुए जब आपका आपका मिशन और विजन क्लियर होता है ना कंसिस्टेंसी और फोकस आ जाता है ट्रू ठीक है मैं आपको बताऊँ मेरे अंदर क्यों आया मेरे अंदर क्या ऐसा मसला था कि मुझे ये करना ही करना था क्यों मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया था अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि मैं किसी की बात नहीं सुन सकता था मुझे कोई ओए करता था मुझे इतना गुस्सा आता था मैं किसी की मुझे लगता था कि मैं इसको मार दूँ खुद मर जाऊँ ठीक है मुझे मेरे अंदर थी एक सही ठीक है एक इंटैग्रिटी की फीलिंग शुरू बचपन से थी मुझे लगता था यार मैं किसी बॉस की बातें नहीं सुन पाऊँगा तो दो रास्ते हैं या तो मैं खुद को मार दूँ या मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मुझे किसी की बात सुननी ना पड़े सही तो मेरे सामने तो रास्ता था ही नहीं मैं तो डूबा डाई के लिए निकला था कि यार या कर जाऊँगा या मर जाऊँगा और मैं कर गया